हमारा गोल इतना बड़ा है यार कि हम 95, 98, 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, बोर्ड में पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप नॉर्मल लोगों की तरह काम करके उस चीज को अचीव कर लो? अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी नॉर्मल ही आएंगे। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं निकाल सकते सिर्फ ऑर्डिनरी मेहनत करके। ये एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट है जो पुट कर रहे हैं, जिसका हम लोग रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो आउट क्लास होगा, ठीक है, और बहुत बोनस रिजल्ट हमें इसका मिलेगा, ये उसकी ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू मैराथन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि रिविजन टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका अगले, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं आ जाते तो ऑलमोस्ट 2 मंथ रह चुके हैं, तो इस 2 मंथ के अंदर कैसा रिविजन टाइम टेबल हो, किस दिन क्या सब्जेक्ट करें। आप लोग जानते हो कि मैं थोड़ा सा कतराता हूं आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बताने से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का जो टाइम टेबल है वो उसकी अपनी प्रायोरिटीज, अपनी रिक्वायरमेंट्स की बेस पर होना चाहिए, ताकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग पढ़ सके। लेकिन आपने बहुत ज्यादा इसरार किया कि भैया नहीं, हम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम मैराथन पर डिपेंड कर रहे हैं, हमने बहुत उम्मीद लगाई हुई है इससे कि इससे हमारी तैयारी अच्छी होगी, तो आप हमें टाइम टेबल बताओ कि यार जिससे हम रिवीजन कर सके। हमने अपना सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम टेस्ट सेशन दे रहे हैं, लेकिन हम स्कूल भी जाते हैं, हम अकेडमी भी जाते हैं, तो इन दोनों को मैनेज करना है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो क्या सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल होना चाहिए, किस टाइम हम क्या करें, किस दिन हम क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और आप लोग यहाँ पर टाइम टेबल देख रहे हो। ये टाइम टेबल के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने 8:30 से लेकर शाम 11:30 तक बनाया है। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप में से मेजोरिटी बच्चे जो है वो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि अकेडमी भी जाते हैं, ठीक है। अकेडमी का टाइम नॉर्मली 4 से लेकर 8 बजे तक होता है, ऐसा ही है, ठीक है। अब मैंने 8 बजे से लेकर 8 से लेकर कितने बजे तक 8:30 तक जो टाइम रखा है वो रखा है, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम इतने करीब नहीं आए, ठीक है, अभी बहुत करीब है, लेकिन ये चीज आगे जाकर आप इस टाइम को कम करते जाओगे। ये टाइम मैंने रखा है आपके रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है, ये टाइम आपका रिफ्रेशमेंट का टाइम है, कि वो टाइम के आप स्कूल और कॉलेज, जब यानी कि स्कूल और कॉलेज या अकेडमी से जब आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओ तो 8 से 8:30 तक अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और अकेडमी में भी पढ़ा होगा, तो ये टाइम आप रिफ्रेशमेंट, आप इसमें कुछ खाना खा सकते हो, थोड़ा सा फैमिली को टाइम दे सकते हो, लेकिन 8:30 बजे के बाद स्ट्रिक्टली आप लोगों ने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक है। ये टाइम 8:30 से 11:30 बजे तक आपके घर के हर फर्द को पता होना चाहिए कि ये टाइम आप जो है ये पढ़ने का टाइम है इसका, अब हमने इससे कोई बात नहीं करनी, इसको कोई काम नहीं कहना, और ये चीज आपको अपने पेरेंट्स को दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बच्चे ये मिस करते हैं कि भैया हमें घर से काम आ जाते हैं, हमने वो काम करने होते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो घर वाले ये काम देते हैं, वो ये काम इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अभी इस टाइम पढ़ इतना ज्यादा नहीं रहा, ठीक है, तो इससे बेहतर से कोई काम करवा लिया जाए। लेकिन जब आप स्ट्रिक्टली खुद थोड़े से मोटिवेटेड हो गए, थोड़े से आप डिटर्मिनेट हो गए कि मैंने अब पढ़ना है, और आप एक ऐसे एनवायरमेंट बना लेते हो, आप अपने आप से जब पुख्ता हो गए ना, तो लोगों को भी नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि अब ये पढ़ रहा है, ठीक है, अब इसको कोई काम नहीं कहना, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे काम नहीं लेना है, बल्कि वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, वो आपको काम तब देते हैं जब आप पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है। इस चीज को में एक बहुत बारीक लाइन है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि अब मैंने इसको कोई काम नहीं देना, अब ये सिर्फ पढ़ रहा है, तो इसके पढ़ने का टाइम है, ठीक है। 8:30 से लेकर 11:30 का टाइम इसलिए रखा। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे भी हैं जो कि स्कूल नहीं जाते या कोई अकेडमी नहीं जाते हैं, वो अलग पढ़ाई है, ठीक है, उसका ताल्लुक इस सेल्फ स्टडी के टाइम टेबल से हरगिज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 4 बजे बैठूंगा और 11:30 बजे उठूंगा, ठीक है, नहीं, आप 4 से 8 अपना डिफरेंट पढ़ोगे, जो भी आपका टेस्ट है, जो भी आप टेस्ट सेशन दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, ये एक बिल्कुल नई चीज है जो आप 8:30 से लेकर 11:30 तक करोगे, ठीक है। आप नॉर्मल पढ़ते जा रहे हो, लेकिन ये अलग, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, ये वो वाला टाइम टेबल होने वाला है, तो इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना, ठीक हो गया। तो 8:30 से 11:30 बजे तक मैंने आपके लिए अभी ये डेज वाइज जो है शेड्यूल बना दिया, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैंने यहाँ पर अलग से थोड़ा सा रखा है, इसमें मैं काफी डिटेल में बात करने वाला हूं। तो अब ये टाइम टेबल है, अब ये टाइम टेबल मैंने अपनी प्रेफरेंस पे बनाया है, ठीक है। आप इसमें सब्जेक्ट्स आगे पीछे चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने जिस चीज का ख्याल रखा है
वो ये है कि एक दिन में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट ना हो। उसकी वजह ये है, अगर हम एक दिन में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम वो मोटिवेशन वाली वीडियो कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि ये चैलेंज है कि आपने डेली थोड़ा थोड़ा चेंज लाना है। एक साथ ज्यादा चेंज लाओगे तो वो आप बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। तो मैंने ये कोशिश की है कि इसके अंदर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट ना आए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और हर सब्जेक्ट को हमने 1 घंटा दिया, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा होता है अगर मैं ये करता कि ज्यादा सब्जेक्ट्स के चक्कर में आधा आधा घंटा देता हर सब्जेक्ट को, तो आप एग्जॉस्ट भी हो जाते और आप ज्यादा अच्छी तरह रिविजन या तैयारी अपने ना कर पाते। तो मैंने 1 सब्जेक्ट को पूरा 1 घंटा दिया। तो जब आप 1 सब्जेक्ट को पूरा 1 घंटा दोगे तो आपकी उसमें तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये भी मैंने इस टाइम टेबल के अंदर मेक श्योर किया कि आपको हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन लाजमी मिले, यानी कि आप 2 दिन 1 सब्जेक्ट करो। जैसा कि ये मैथ है तो इसी हफ्ते के अंदर मैथ आपका दोबारा भी आ रहा है, यानी कि 1 हफ्ते में आप मैथ को 2 दिन दे रहे हो सेल्फ स्टडी के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्कूल अकेडमी डिफरेंट है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वो आप जैसे आपकी रूटीन चल रही है, जैसे स्केड्यूल बना है वो चल रहा है। ये एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो पुट कर रहे हैं, जिसका हम लोग रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो आउट क्लास होगा। ठीक है, और बहुत बोनस रिजल्ट हमें इसका मिलेगा, ये उसकी ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं इतनी ज्यादा। ठीक है, इसी तरह जब फिजिक्स है तो फिजिक्स का दोबारा भी यहाँ पर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जो कि मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो। ठीक है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझते होगे और आप इस बात को लाजमी से फॉलो भी करोगे। ठीक है, तो अब ये टाइम टेबल आप लोगों के साथ लिखे, अब आपने इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ठीक है, आपने अपना पेज निकालना है और उस पेज के ऊपर सारा ये एज इट इज लिख देना है जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये टाइम टेबल आपके पास पेज पर होना चाहिए। अगेन वो नहीं करना कि अच्छा वीडियो देखिए खाते हुए, ठीक है अच्छा जी कल से करेंगे, कल नहीं, अभी आपको इसको अपने पेज पर लिखना है। ठीक हो गया, और पेज पर लिखकर अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप वहां पर स्टोरी पे अपलोड करके मुझे टैग भी कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो सिंपल है, फिजान तनवीर। ठीक है, तो आप लोगों ने करना, अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज जो है वो ये है कि आप लोगों ने अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो भी मैंने आपको 7 डे चैलेंज के अंदर बताया था, वो वीडियो आपने लाजमी से देखनी है। और कोशिश करना है एक भी वीडियो आप मैराथन की मिस ना करो। ठीक है, एक भी वीडियो मिस हो गई तो आपका ट्रैक हिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और आपकी पार्टिसिपेशन खतरे में भी पड़ सकती है, क्योंकि आपने बड़े ही डिटरमिन होके इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। और मैं भी ये आप लोगों से चाहता हूं कि आप ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करो। ठीक है, तभी हम एक अच्छे गोल की तरफ, एक अच्छे मार्क्स की तरफ जा रहे होंगे, बाकी पूरे क्राउड से हटकर। ठीक है, वो लोग भी तो है ना जो इस मैराथन को में अभी तक नहीं आए, ये जिनको अभी तक इसका मालूम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको उनसे अलग दिखना है, आपको उनसे अलग कुछ करना है। ठीक है, तो एक एक स्टेप आप लोगों ने लाजमी से इस मैराथन का फॉलो करना है, हर एक वीडियो को। डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों ने दूर रहना है। ठीक है, ये टाइम वो टाइम होना चाहिए जिस टाइम आपके आसपास कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी ऐसी डिवाइस ना हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके कोई सिबलिंग्स, कुछ भी आपके आसपास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप पढ़ाई से हट जाओ। आप बोलिए भैया हमें तो बहुत जरूरत पड़ती है मोबाइल फोन की, भाई नहीं पड़ती। मोबाइल फोन की जरूरत आपको पढ़ाई में 1000 में से कोई 1 केस होगा कि आपको जरूरत पड़े मोबाइल की। ठीक है, तो अगर आपको बहुत कोई अशद जरूरत है तो आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा के रखोगे ऑल द टाइम, अगर आप उसको अपने पास रखना चाहते हो। ठीक है, एयरप्लेन मोड बहुत इजी है। ठीक है, आपने लगा के अपने पास रख लेना ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है, जब हम एक काम करने लगते हैं और हमें अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन नजर आता है तो हम, क्योंकि उसमें डोपामाइन ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसकी तरफ भाग के जाते हैं और देखते हैं कि यार क्या नोटिफिकेशन आया, और ऐसे आपका 1 घंटा 2 घंटे कहीं भी आपके नहीं गए, खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके आप लोगों ने यहाँ पर दूर रहना है। अब सेल्फ स्टडी के अंदर भैया करना क्या, आपने ये तो बता दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक एक सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, अब बताएं इसमें पढ़ना क्या है। मैंने आपको जैसे बताया कि स्कूल और अकेडमी का अलग स्केड्यूल चल रहा है, अलग प्रेसेशन है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, यहां पर आप लेट्स से अगर आप मैथ उठा रहे हो तो आप मैथ के अंदर उन टॉपिक्स को पहले क्लियर करोगे शुरू वाले टाइम के अंदर, शुरू वाले वीक के अंदर। मैं कहूंगा पहले वीक में हर सब्जेक्ट की वो चीजें कर लो जो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह आती हैं। ठीक है, जिसको आपको सिर्फ रिवाइज करना है पहले वीक के अंदर, ये पहले 7 दिन आप सिर्फ वो काम करोगे जो कि आपको आता है। ठीक है, उसको दोबारा से पढ़ोगे, एक दोबारा से उसको फोकस करोगे। जब नेक्स्ट वीक आएगा, दूसरा वीक जिसके अंदर आप दोबारा से स्टार्ट करोगे मैथ से, उसके अंदर आप लोग अपने उन सब उन टॉपिक्स को पकड़ना जो कि आपको अभी तक याद नहीं हुए या अभी तक आपको आते नहीं है वो वाले टॉपिक्स। समझ आ गए? तो
ये आप यहां तक करोगे फ्राइडे तक, फ्राइडे तक आपके हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट दो मरतबा रिपीट हो चुका है। इसके बाद भैया क्या करें, इसके बाद जो आप लोगों ने काम करना है सैटरडे और संडे वाले दिन, आप देखो कि मैंने यहाँ पर कोई भी, ज्यादातर बच्चों को संडे वाले दिन ऑफ होता है पूरा दिन, लेकिन मैंने पूरे दिन को रिविजन में, क्योंकि अगेन सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये हर एक से डिफरेंट होगा नॉर्मल स्केड्यूल से, ठीक है। इन दोनों दिन में रिवीजन करनी है। अब ये रिवीजन किस चीज की करनी है भैया, ये क्या हम सारे रिवीजन नहीं कर रहे थे, ये आप रिवीजन कर रहे थे, लेकिन इस रिवीजन में कुछ स्पेशल है। इस रिवीजन में स्पेशल क्या चीज है, ठीक है, मैंने आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने अपने डेली का गोल भी बनाना है और अपने वीकली गोल भी बनाना है, ठीक है। मैंने इस टाइम टेबल में आपका डेली का गोल बना दिया कि यार ये चीजें ये आप लोगों ने डेली करनी है, ठीक है। लेकिन इस वीक पे जाकर इस दिन, ठीक है, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक एक घंटा दोगे, ठीक है। आपको ये क्या कह रहे हैं समझ नहीं आई, ये मेरा समझो ये पूरा एक ब्लॉग बन गया, ठीक है, जो कि मैंने इसी, मैंने आपको बोला था कि आपने पेज पर इसको लिखना है, ठीक है। इस सैटरडे वाले दिन क्या होगा, इस सैटरडे और संडे दोनों दिन में मिलाकर आप इन सब्जेक्ट्स को दोबारा से रिवाइज करोगे, ठीक है। सैटरडे वाला दिन स्टार्ट हुआ, आपने एक घंटे के अंदर, पहले हम सिर्फ एक घंटे में मैथ कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन अब हम एक घंटे में जस्ट मैथ नहीं बल्कि ये सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज क्या चीज करेंगे, कोई नई चीज नहीं बल्कि पूरे हफ्ते में जो चीज आपने इनकी तैयार की थी एक एक घंटा लगाकर हर सब्जेक्ट को, उस एक एक घंटे को आपने समराइज करना है, ठीक है, आपने रिवाइज करना है जल्दी से एक घंटे के अंदर। फिर अगले घंटे आप ये सारी ये जो ब्लॉक है इसको आप एक घंटे में रिवाइज करोगे, और तीसरे घंटे आप इस पूरे ब्लॉक को रिवाइज करोगे, ठीक है। अब रिवाइज करने में क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहले ही एक एक घंटा दे चुके हैं हर सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स, तो बस आपको सिर्फ रिवाइज करना, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग था, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक हो गया। तो संडे और सैटरडे और संडे वाले दिन अगेन वही चीज आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो इसमें हमारी अपने हम स्कूल का अलग कर रहे हैं टेस्ट, ठीक है, एकेडमी का जो भी तैयारी वगैरह वो अलग कर रहे हैं, ये हम खुद से अपनी एफर्ट लगाकर इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम चीजों को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो स्कूल में अलग से रिवाइज हो रहा है, ठीक है, एकेडमी में आप अलग से रिवाइज कर रहे हो, यहां सेल्फ स्टडी के अंदर आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है हर दिन के हिसाब से, और हर वीकेंड के ऊपर आप दोबारा से रिवाइज, एक चीज को चार चार मरतबा रिवाइज कर रहे हो। तो सोचो एक बच्चा जो कि इस चीज को नहीं फॉलो कर रहा है, वो मैराथन फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक मरतबा रिवीजन करेगा, ठीक है, और आप चार दफा रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर मुझे आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, कैसे बोला, ठीक है, आप कहोगे भैया इतना ज्यादा काम हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना, ठीक है। देखो जब हमें कोई चीज, बड़ी चीज अचीव करनी है ना, तो उसके लिए हार्डवर्क कभी भी कम नहीं हो सकती, हमें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जब हम, हमारा गोल इतना बड़ा है यार कि हम 95, 98, 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, बोर्ड में पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप नॉर्मल लोगों की तरह काम कर कर उस चीज को अचीव कर लो। अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी नॉर्मल ही आएंगे, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं निकाल सकते सिर्फ ऑर्डिनरी मेहनत करके, ठीक है। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, अगर मार्क्स ज्यादा चाहिए तो काम भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा मिले और खुशी उतनी ज्यादा हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप, यू गॉट माय पॉइंट, और आपको समझ आ गई होगी कि सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको कह रहा हूं कमेंट करो वीडियो के नीचे, ठीक है, अपनी क्लास लिखो, अपना टॉपिक लिखो कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगली वीडियो या कुछ आने वाली वीडियोस आपको उसी आपके टॉपिक पर मिल रही होंगी, और यही इस मैराथन का मकसद है। ये नहीं कि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो मैं आपको दूं, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा इस मैराथन के अंदर, और इंशाल्लाह ये मैराथन सक्सेसफुली जो है वो अपने एंड तक पहुंचेगी, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ जाते। और आप लोगों ने उस पॉइंट को भूलना नहीं है जो मैंने मैराथन स्टार्ट करते हुए आपको बताया था, ठीक है, आपका भी एक गोल है, मेरा भी एक गोल है, ठीक है, मैं आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करूंगा, और आप मेरे गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प यहाँ पर लाजमी से करोगे, ठीक है। सो और जैसा कि मेरा जो तरीका है, मैं अगर डीमोटिवेट होता हूँ, ठीक है, तो मैं फौरन आपने के कमेंट्स में जाता हूँ, और कमेंट्स पढ़ता हूँ, दोबारा से मोटिवेशन, दोबारा से एनर्जी आती है, और दोबारा से आपके लिए वीडियो आ जाती है। तो अच्छे कमेंट्स करना नहीं भूलना, वीडियो को जितना लाइक हो सके करना है, ठीक है, एल्गोरिदम को बता दो कि मैराथन चल रही है पूरे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, इसको इतना ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, इतना ज्यादा फैलाना है, इतना सपोर्ट करना है, ठीक है, कि हर बच्चे को पता हो कि यार कोई चीज चल रही है यहाँ पर, देखना क्या है, ठीक है, जब वो इस चीज को देखे तो उनको पता चले ये तो मैराथन है, ये तो बिल्कुल हट के कोई चीज हो रही है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, लड़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, अल्लाह हाफिज़।